दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीक्रेट राजा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी पैडागोजी 2016-2016 का सितंबर का प्रीवियस ईयर का पेपर है कि सीक्रेट में सवाल हिंदी के कैसे आते हैं और किस तरीके से आप टैगवर्ड से इसे आप बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। आज 15 क्वेश्चंस लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी का सेकंड लैंग्वेज 15 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे 2022 सीटेट का फुल प्रिपरेशन डिजिटल कंटेंट के साथ है, चैनल से बने रहें। इस बार का सीटेट आपका स्मूथली इजी और आसान भाषाओं में आप सीटेट क्रैक करोगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर 91 लेंगे 91 क्वेश्चन नंबर 91 जी हाँ शुरू करते दोस्तों 91 से। पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। किस जगह पर आप भाषा की चीज़ों को आप अनदेखा नहीं करेंगे दोस्तों? व्याकरण निर्माण, व्याकरण प्राइमरी लेवल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक नेगेटिव है। आकलन तो हम करेंगे ही, एक तो सही है, आकलन सही है, मूल्य का निर्माण भी करेंगे और ज्ञान का निर्माण भी करेंगे दोस्तों। इस तीनों में से एक तो व्याकरण हमारा नेगेटिव है, तीन ऑप्शन मेरा पॉजिटिव है दोस्तों। तीनों में से ब्रॉड कौन है? अगर तीनों ऑप्शन में हम देखें सबसे ज़्यादा ब्रॉड है ज्ञान का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान का निर्माण पूरी पाठ्यचर्या में, ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसी दो में ही ये दो छुपा हुआ है। ज्ञान निर्माण होगा तो मूल्य का निर्माण होगा और ज्ञान निर्माण होगा तो आकलन भी होगा। जी हाँ, सबसे ब्रॉड हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 92 लेंगे 92 क्या दोस्तों? प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका आपका क्या होगा? बच्चे को वाद विवाद के लिए तैयार करना, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, देखते हैं इससे भी कुछ पॉजिटिव हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करना, अंक दोस्तों अंक ग्रेड पुरस्कार दंड एक नेगेटिव टैगवर्ड है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, पाठ्य पुस्तक जो है दोस्तों ये एक साधन सिर्फ होता है, हम एजुकेशन में पाठ्य पुस्तक को एक साधन मानते हैं। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह का अवसर जुटाना, जी हाँ दोस्तों अवसर एक पॉजिटिव टैगवर्ड है और यहाँ पे तरह तरह विविधता की बात हो गई, विविधता के अंदर ये भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है। काफ़ी इजी वे में, अगर टैगवर्ड का वीडियो आपने नहीं देखा चैनल पर जाकर टैगवर्ड का वीडियो देखिए, 40 से 50 क्वेश्चन आप टैगवर्ड से ही आप कर लेंगे। दूसरी कक्षा में पढ़ाने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? बाकी बच्चे से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे? पहले तो डांटेंगे नहीं, ये नेगेटिव है, डांटेंगे कि वो कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे ऐसा भी नहीं, उसकी भाषा को समझने की हम कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है, बाकी बच्चे को भी हम सिखाएंगे नहीं। एकदम इजी वे में दोस्तों आप कर सकते हो। 94 लेंगे दोस्तों 94 क्वेश्चन नंबर 94 लेंगे जो कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है, आप कौन सा नहीं है दोस्तों? क्वेश्चंस को रीड करने से पहले ये देखिए कि आपसे ये नेगेटिव में पूछा गया, माइनस में पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। वर्णमाला को याद करना, याद एक नेगेटिव टैगवर्ड है दोस्तों, याद रखेंगे। अनुमान लगाना पॉजिटिव है। भाषा के संरचना की समझ ठीक है, भावात्मक संबंध भी ठीक है, याद करना एक नेगेटिव है, हमसे पूछा गया था नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। क्वेश्चन नंबर 95 लेंगे दोस्तों काफ़ी ट्रिकी वे में। द्विभाषिक बच्चे डैश के विकास सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन के अपेक्षाकृत बेहतर होता है। सबसे पहले द्विभाषिक जो मल्टी लैंग्वेज बच्चे होते हैं इनका संज्ञानात्मक विकास काफ़ी अच्छा होता है, हमेशा याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसे ना भी जान रहे हो तो सीमित सीमित ये एक नेगेटिव टैगवर्ड है और केंद्रित एक नेगेटिव टैगवर्ड है, हम किसी को केंद्रित नहीं कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास के लिए, जी हाँ दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के लिए, द्विभाषिक बच्चे के लिए संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन के लिए अपेक्षाकृत व्यवहार है। काफ़ी मैजिक वे में दोस्तों आपने ये ट्रिकी वे से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट लेंगे 96 क्या कह रहा है, काफ़ी
निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, किसके अभाव में? बाढ़खड़ी के परिचय में ऐसा नहीं है, वर्णवाला की क्रमबद्धता का ज्ञान ऐसा भी नहीं है, संयुक्त अक्षर की पहचान ऐसा नहीं है, लिपि से परिचय, जी हाँ दोस्तों लिपि से अगर हमें परिचय नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन। इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन। अब 96 लेंगे दोस्तों, 96 हो गया, 97 लेंगे। ये तो चॉम्स्की भाषा में आना ही है, भाषा और विचार के संबंध में चर्चा में अग्रणी है। कौन? चॉम्स्की। चॉम्स्की कहते हैं बच्चे में जन्मजात गुण होता है भाषा सीखने के लिए, और बच्चे में LAD लैंग्वेज एक्वायर डिवाइस होता है। चॉम्स्की साहब के बगैर तो भाषा हम समझ ही नहीं सकते हैं। और दो चार क्वेश्चन चॉम्स्की से आपको मिल जाएंगे, चॉम्स्की, पियाजे और बायोस्की। बायोस्की कहते हैं सामाजिक अंत्यक्रिया से, जी हाँ बायोस्की से पूछा जाए तो सामाजिक अंत्यक्रिया से बच्चा भाषा सीख हैं। और पियाजे पहले विचार फिर भाषा को इन्होंने प्राथमिकता दिया। स्किनर ने अनुकरण करके बच्चा भाषा सीखते हैं, और अभ्यास अनुकरण का सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया था। 98 लेंगे। सिद्धार्थ की माँ क्या कर रही है? सिद्धार्थ की माँ देख लीजिए थोड़ा सा। सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे देख ले। ऑप्शन नंबर 1, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन 2 देख लेते हैं, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन 3, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, और वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वांछित कराना चाह रही है। दोस्तों यह चारों ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है, और उनमें से ब्रॉड कौन है? समृद्ध भाषिक परिवेश, उसी में हमारा तीनों ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों सबसे ब्रॉड हमें चूज करना है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, कभी कभी तो चारों ऑप्शन चारों को चारों सही लगेंगे, उनमें से आपको चूज करना है हु इज द बेस्ट। सबसे ब्रॉड कौन है, व्यापक कौन है? सीटेड आपका IQ लेवल को चेक करता है। हमेशा याद रखेंगे सीटेड का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 99 लेंगे दोस्तों। 99, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या है? लिखी छिपी सामग्री को बोल बोलकर पढ़ पढ़कर पढ़ सके, ठीक है, सबसे प्राथमिक स्तर पे है और सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर 2 लेंगे, अक्षरों को जोर जोर के पढ़ सके, ठीक। 3 लेंगे, शब्दों को जोर जोर के वाक्य पढ़ सके, जी। ऑप्शन नंबर 4 लेंगे, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। दोस्तों अगर भाषा की बात आ जाए और जहाँ पे अर्थ आ जाए वो ऑप्शन हमारा सही होगा, हम अर्थ समझ सके। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ ले जोर जोर से बोले, उसका मीनिंग समझना चाहिए। 99 हमारा होता है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अब किसी का लेखन क्षमता को आपको देखना है तो हम श्रुतलेख क्या करेंगे, हम श्रुतलेख वो सुन सुन के कितना लिख पाता है इसे हम चेक करेंगे कि वो कितना कर पा रहा है। जी हाँ, मौलिक विचार सुलेख बतरनी प्राइमरी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 101 लेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण माने सुनना एवं वाचन यानी कि बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोग है? सुनना और बोलने के लिए क्या है? कहानी सुनाकर उस बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया जानना, ठीक है, देखते हैं। हाव भाव के साथ कविता को बुलवाना, प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजन करना और रेडियो समाचार सुनना। देखिए दोस्तों अब देखिए चारों को चारों चीज़ें आपको पॉजिटिव मिल रहा है, और उसमें से ब्रॉड कौन है? जिसमें बच्चे का एंगेजमेंट हो, बच्चा एंगेज हो, कहानी सुनकर उसमें बच्चे की प्रतिक्रिया जानना, बच्चा उसमें अभिव्यक्ति भी करेगा, बोलेगा भी, अपना फीलिंग जाहिर करेगा और कहानी सुनकर वो सुनेगा भी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर क्या है, कविता सिर्फ सुन रहा है, रेडियो सिर्फ सुन रहा है, क्वेश्चन आंसर में उतना अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा दोस्तों। क्वेश्चन आंसर में सबसे ब्रॉड हो गया हमारा 102 लेंगे। वाणी डैश होती है, वाणी क्या होती है? डैश होती है लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। वाणी क्या होता है? वाणी जो है एक
अस्थाई होती है, अस्थाई, जैसे कि लोकल लैंग्वेज है वो रहते रहते 2-4-5 साल के बाद फिर चेंज होने लगता है लोकल बोलने का स्टाइल, उसे हम वाणी कहते हैं। और ये अस्थाई है, स्थाई नहीं है और ना ही गौण है और ना ही स्थिर है, चेंज होते रहता है लोकल लैंग्वेज 15-20 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर वो चेंज होता है, होते रहती है। 103 बहुभाषिकता, जी हाँ दोस्तों इस पर वीडियो जरूर है, जरूर देखे। सीटेट का 6-7 वीडियो के अंदर पूरा पैडागोजी का टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया गया, प्ले लिस्ट में जाके देख ली। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, बहुभाषिकता कक्षा क्या है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की भाषा को सम्मान दिया जाता है, ठीक है, ये तो है बहुभाषिकता, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है ये बहुभाषिकता नहीं है। जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका को 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं है। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो, बहुभाषिकता का मतलब यह है कि बच्चे का मदर टंग को हम वैल्यू दे रहे हैं। हमारे आप एक टीचर बनने जा रहे हो, आपके क्लास में असमी से बंगाली है, पंजाबी है, सबकी भाषाओं को आप सम्मान देते हो, वो बहुभाषिकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 104 लेंगे, 104 क्या है, संज्ञान के स्तर पर डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, संज्ञान के स्तर पे विकास डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है, क्या चीज़ में होती है, व्याकरण क्षमता में, तर्क क्षमता में, भाषा क्षमता में या ज्ञान क्षमता में। तो संज्ञान अगर है और संज्ञान पे अगर विकास हम करेंगे तो अन्य भाषाओं में अनुदित होता है, क्या होता दोस्तों, भाषा क्षमता, भाषा क्षमता। क्वेश्चन नंबर 105 लेंगे, भाषा शिक्षण के संदर्भ में साथ भाषा शिक्षण के डैश के संदर्भ में रख के देखने की आवश्यकता है, तो आप भाषा शिक्षण को किसके संदर्भ में रखेंगे, नैतिक, बहुभाषिक, आर्थिक या सांस्कृतिक। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सांस्कृतिक और बहुभाषिक संदर्भ में से सांस्कृतिक हमारा ब्रॉड होगा और सांस्कृतिक में ही आपको बहुभाषिक आ जाएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सांस्कृतिक, भाषा शिक्षण को सांस्कृतिक संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है और सांस्कृतिक संदर्भ में ही आपका बहुभाषी आ जाएगा, ब्रॉड होगा हमारा सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 105 कंप्लीट। दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट हो गया, हिंदी का टॉपिक वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखे। इस बार का सीटेट आप बहुत इजी गो में, ट्रिकी वे में एकदम मक्खन की तरह आप क्वालिफाइड करोगे। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।